हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल जो आपको सर्च करना है, सारा इंटर कैप्टर में s.k.t.c.c में आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लास्ट एक्सरसाइज बताई थी, तो मैंने समाप्त भी की थी, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोगों को थोड़ी सी एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। मैंने आपको वीडियो में जो 2.B लिख दिया है, वहां पे 2.C होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं उसको डिस्क्रिप्शन पे मैं अभी सही कर दूंगा, लेकिन वीडियो पे जो टाइटल बना हुआ उस पर नहीं सही हो पाएगा, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको 6 मेथड आपको बताऊंगा क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सोल्व करने के लिए। देखिए लिखा हुआ है, मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको 6 मेथड ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये थोड़ी सी एक बुलेट की आवाज आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सेकंड रुक जाते हैं। लिखा हुआ है 6 मेथड ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिएगा कितना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई आपको तुम्हें नहीं बताया होगा अभी तक कि 6 मेथड से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, वो आपको देखना है। देखिएगा मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मैं बताऊंगा, आप लोग समझिएगा, सीखिएगा, सुनिएगा, आप लोग बताइए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ आपको क्या 6 मेथड ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सोल्यूशन, में बताने जा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है आप ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 6 मेथड से लगा सकते हैं। मैं आपको 6 के बाद आप लोग अगर कहेंगे तो मैं 10 मेथड से भी सवाल को बता सकता हूँ। आप लोग 10 मेथड से सिर्फ क्या फार्मूले का चेंजमेंट है, लेकिन आपको सबको पता नहीं होता है, इसलिए आप लोग देखिएगा, अच्छे से लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी को मैं 6 मेथड से लगाऊंगा। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। ये सवाल मैंने आपको पर्सनली 2.C का ही लिया हुआ है, जी मैंने क्वेश्चन आपको उसमें होमवर्क में दिया था, आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ना समझ में आया हो तो। मेथड फर्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, LHS मैंने ले लिया है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दिए हम यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है, आपको पता होगा, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। तो मैं इस फार्मूले पे लगाऊंगा कॉस इनवर्स 4/2, क्या मैं दिखाते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स 4/5 एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दोनों ले सकते हैं। देखिए इसको हमने सोल्व कर लिया, सोल्व करने पे मैं 16/25 इसका एलसीएम ले लिया, एक एक स्टेप मैंने लिखी है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। इसके बाद इसको हमने बाहर निकाल लिया रूट से, देखिए यहाँ पे 65/65 एलसीएम मिल जाएंगे, यहाँ बार चौको 48 है वो चल ही रहा है आपके पास, तो 48 में 15 का 33/65, जी देखिए आपका एक आंसर आ गया, RHS यहाँ ले सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। थोड़ा स्पीड में लगाइएगा क्योंकि आपको 6 मेथड बताना है, जी देखिए पहला मेथड हो गया, आप लोगों को मैंने फर्स्ट मेथड बताया, अब आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड मेथड। जी देखिए सेकेंड मेथड आपके पास है, मेथड लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है, आप लोगों को क्या, अब देखिए मैंने इसको कॉस को साइन में चेंज किया है, चेंज करने के लिए मेथड अब आपको थोड़ा सा मैं प्रोसेस बताऊंगा। ये देखिए साइन में चेंज करने के लिए आप लोगों को एक प्रोसेस याद करना है, देखिए लिखा हुआ है इसमें, माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर एक्स, तो कॉस एक्स बराबर 4/5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण होता है, लंब निकालना है, लंब हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास है कॉस इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स बराबर आ जाएगा 4/4 कॉस इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो जी हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 4/5 की जगह पे साइन इनवर्स 3/5 लिखेंगे, और देखिए यहीं पे लिखा हमने माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर वाई, कॉस वाई बराबर 12/13, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कौन, तो जी हमारा पाइथागोरस लगाएंगे तो 5 आएगा, आप लोग लगाइएगा पाइथागोरस, ठीक। तो जी आ जाएगा साइन वाई बराबर 5/13, क्योंकि साइन में इसको भी चेंज करना है, तो जी आ जाएगा 12/13। अब देखिए साइन बराबर 5/13, तो इन दोनों मान को हमने कहा यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, देखिए यहाँ पे ये देखिए रखा हुआ है, तो इसमें LHS ले लिया हमने, साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर इतना, तो देखिए इसको हमने साइन वर्स एक्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस का
एक्स स्क्वायर जो हमारा साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फार्मूला होता है, आपने मान रखा, मान रखने के बाद हमने यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, हमने सोल्यूशन करवाया है, आपको देखा होगा जी आ गया साइन वर्स 56/65 आ गया। अब देखिए साइन वर्स 56/65 आ गया, तो अब देखिए इसको आरएचएस को भी हमने सोल्व किया है, कैसे सोल्व किया, कॉस इनवर्स 33/65 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 बराबर ए, कॉस ए बराबर 33/65। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस से हमने इसको सोल्व किया, 65 का स्क्वायर 42/25 माइनस 10/89 33 का घटा दिया, 56 मिल गया, 56 आ गया, साइन ए बराबर 56/65 ए बराबर साइन वर्स 56/65 ए बराबर लिख दिया, तो देखिए बराबर, ये देखिए RHS हमारा, देखिए दूसरा मेथड आपका कम्प्लीट हो गया, आप लोगों ने पढ़ा लगाया, कोशिश करिएगा वीडियो स्टॉप कर करके देखिएगा, क्योंकि आपको स्टॉप कर देखेंगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका हो गया दूसरा मेथड, अब बताते हैं हम मेथड आपको, थर्ड मेथड दिखा रहे हैं आपको, ये भी देखिएगा, थर्ड के बाद आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भी आ जाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। देखिए थर्ड मेथड, मेथड थर्ड, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 वाला कॉस इनवर्स, अब देखिए हमने कॉस इनवर्स 4/5 को हमने किसमें चेंज कर दिया, 10 में चेंज कर दिया। जी देखिए आपको मेथड थर्ड की देखिए प्रोसेस लिखे हुए हैं, ऊपर देखिए आपको डायग्राम बने हुए हैं, अभी मैंने वैल्यू सोल्व की थी, तो सब जब 10x/3/4 10θ लंबटे आधार यहाँ से रखा हुआ है, देखिए यहाँ से तो 10θ लंबटे आधार, तो जो आ जाएंगे एक्स बराबर कॉस इनवर्स 10/3/4। अब ऐसे ही वाई के निकाले हैं, तो 10y/12/5 5/12 तो 10 cos inverse 12/13 10 inverse 5/12 जी हमारा आ गया मेथड नंबर थर्ड के। जो यहाँ से हमने उठा के वैल्यू कहाँ पर रखी है, यहाँ पर रखी हुई है, आप लोग देखिएगा, देखिए कॉस इनवर्स को हमने यहाँ से चेंज कर दिया, देखिए यहाँ से चेंज किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं थर्ड मेथड पे कॉस इनवर्स को, देखिए देखिए यहाँ पे आप सोल्व कर रहे हैं, अलग से दिखा रहे हैं, ये देखिए वैल्यू लिखी हुई है, माना अभी हमने सोल्व किया था। अब देखिए यहाँ से हमने 10 का मान निकाला है, 10a का, तो 10 इनवर्स बराबर 56/33 आ जाएंगे, तो ये 33 का हमने इसके बराबर रख दिया। ये मेथड आपका थर्ड था, थर्ड मेथड पे आपको सॉल्यूशन मिला, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों के 6 मेथड है, तो कुछ ना कुछ तो इधर से उधर वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया, प्रूविंग हमें ये करना है, देखिए 10 इनवर्स x + y/1 - x y मान रख दिया, मान रखने के साथ साथ हमने सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद देखिए जी हमको मिल गया RHS बराबर RHS हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया। जी क्वेश्चन आपका मेथड हो गया आपका थर्ड कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं, जी देखिए थर्ड मेथड हो गया आपका कंप्लीट। तो आप लोगों ने तीन मेथड से आपको आंसर सेम मिल रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, बस आपको RHS सवाल वही है, क्योंकि जब तक हम चेंजमेंट नहीं करेंगे 6 मेथड कैसे लगेंगे, ऐसे ही लगेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मेथड 4 कॉस इनवर्स को देखिए, कॉस को हमने कॉट में चेंज कर लिया, कॉट में चेंज करने के लिए देखिए मेथड, देखिए 4 लिखा हुआ है, आप लोग देखिए कॉस इनवर्स 4/5 आ जाएगा, कॉट इनवर्स 4/3 आ जाएगा, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉट इनवर्स 12/15, आप लोग लगाइएगा एक पेज पे ऊपर वाले वहां पे डायग्राम है, वहां से वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है जी। हो गया मेथड 4 के लिए आपका प्रोसेस, अब देखिए 4 के लिए आप लोगों को, देखिए मेथड 4 के लिए मैं यहाँ पे RHS वाला हमने सोल्व किया हुआ है, आगे सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारा कॉट इनवर्स 33/56 हमको मिल जाएगा जी। देखिए मेथड 4 के लिए देखिए जी यहाँ पर आपका सोल्यूशन किया हुआ, कई सारी जगह पे किया हुआ, तो इस पे थोड़ा पेज इधर उधर होने में हमको दिक्कत मिल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगाते ही आपको देखिए मान आपको मिल जाएंगे, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1/x का वाई होता है। देखिए यहाँ पे वैल्यू रखी है, मान रखे हैं, सोल्व किए, एलसीएम लिया है 5 से 15, सोल्व कर लिए, 15 कट गए, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर 33/56 LHS बराबर RHS हमारा सोल्व हो गया जी। हो गया मेथड आपका 4 मेथड हो गया, 4 के बाद अब आपको बताते हैं 5 नंबर मेथड, मेथड 5 बहुत ही आसान, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी जी। देखिए 5 नंबर मेथड है, देखा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 13/65, तो लिख सकते हैं LHS बराबर माना कॉस इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4। अब देखिए कॉस इनवर्स को सिग में चेंज किए हुए हैं, सिग में चेंज करने के लिए देखिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 5 नंबर कॉस इनवर्स को सिग में 5/4 आ जाएगा, आप लोग ऊपर से देख रहिएगा, कॉस इनवर्स सिग में 12/13 आ जाएगा जी, आपका हो गया मैथ नंबर 5। देखिए यहाँ पे हमने चेंज तो कर लिया, लेकिन हमें सेक और कॉसेक में फार्मूला नहीं पता है, फिर भी हम सेक को फिर चेंज करेंगे, किसमें कॉस में हम जानते हैं सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/5x, तो यहाँ पे सेक इनवर्स 5/4 को कॉस इनवर्स
4/5 लिखेंगे, अब sec इनवर्स 12/13 को लिख सकते हैं cos इनवर्स 13/12, तो cos इनवर्स 12/13। अब देखिए हमारा सवाल सेम वही बन जाएगा, LHS को सॉल्व कर लिए तो हमारा देखिए सवाल ये बन गया जी। तो सवाल देखिए हमने cos इनवर्स का सबसे पहले सॉल्व किया था, वही आंसर मिल गया, तो हमको वही सोल्यूशन यहाँ पे भी लिखना है आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, हो गया आपका sec इनवर्स। में देखिए sec इनवर्स को देखिए यहाँ पे हमने RHS को सॉल्व किया, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, हो गया आपका 5 नंबर मेथड। अब आपको बताते हैं तो मेथड नंबर 6 भी मेथड बहुत आसान सा, बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है cos इनवर्स x प्लस 4/5 बराबर cos इनवर्स 12/13, तो cos इनवर्स 13/65, तो LHS cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स x बराबर होता है cosec इनवर्स 5/3। देखिए यहाँ पे cos इनवर्स 12/13 को cosec में निकालेंगे, वहां से डायग्राम से यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाली हमने, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखिएगा जी, देखिए लिखे हुए हैं, और इसी का आपका देखिए 6 नंबर में जी देखिए RHS वाला जी देखिए आपके पास लिखा हुआ है जी, आपको RHS में लिखना है जी, हो गए आपके RHS के। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि cosec इनवर्स बराबर 1/5 sin x, तो cosec 5/3 को लिख सकते हैं 3/5 sin में, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पे sin इनवर्स 3/5 LHS हमारा ये बन जाएगा, cos इनवर्स ये बन जाएगा cosec में। अब देखिए हम जानते हैं कि ये हो जाएगा cosec इनवर्स बराबर sin इनवर्स 5x, देखिए हमारा LHS RHS बराबर आ जाएंगे, तो ये हमारे कंडीशन sin इनवर्स x sin इनवर्स y की मेथड नंबर दूसरा आपको यहाँ पे सोल्यूशन करना है। तो जी हो गए आपके 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देखते रहिए, लगाते रहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आपको 6 मेथड आपको अच्छे से पसंद आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए, आपको मोटिवेट करते रहिए, शेयर करके लाइक करके कमेंट करके, तो मैं आपको नए नए मेथड नए नए ट्रिक नए नए फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना ही आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतने ही हमको मोटिवेशन मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलने वाला हमको, लेकिन हम फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा शौक है, पढ़ाने का जुनून है, इस वजह से हम आपको पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कल फिर मिलते हैं नए जोश नई एनर्जी। कल आपका टॉपिक होगा मरगणित कक्षा 12 की मैट्रिक्स आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैट्रिक्स आपको बिल्कुल धुआंधार तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स से भी शॉर्ट ट्रिक्स में आपको सोल्यूशन करना सिखाऊंगा, और लॉन्ग का भी बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा, लॉन्ग भी बताऊंगा और हायर लॉन्ग भी बताऊंगा, मतलब क्या है आपको बेसिक फार्मूला मैथड हाई ट्रिक शॉर्ट ट्रिक सब बताई जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय।